अक्सर आपका ना 1v1 ऐसे बंदे के साथ लग जाता है जो बिल्कुल आपको सामने ही नहीं आने देता है। जैसे ही आप भाई फायर करने लगते हैं, भले एडीएस फाइट हो या आप क्लोज रेंज के फायर ले रहे हैं, उसने भाई ऐसे ही पेल देना, पता ही नहीं चलना। उसके लिए कुछ मैं एडवांस टिप देता हूँ। थोड़ा सा आप उनको सोच के खेलते हैं ना, भले जितना भी अच्छा प्लेयर है आप इजीली विन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है, आप कभी भी इस तरह ओपन में निकल के मत रश करें। अब देख लें अगला बंदा किस तरह खेल रहा है, वो बिल्कुल प्रॉपर कवर में बैठा है, मैं भी कवर में बैठा हूँ। होता यूँ है कि अब यहाँ पे जो पहले डैमेज देगा ना वही रश करेगा, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि रश अगला बंदा ही आप पे करे। जब अगला बंदा रश करेगा ना तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तरह फाइट आप विन कर सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स ही मैं देने वाला हूँ जिससे आप अगर फॉलो करते हैं ना तो इजीली आप ज़्यादातर फाइट्स आराम से निकाल सकते हैं। अब इसने मुझे डैमेज दिया, रश किया, क्योंकि मैं कवर में हूँ, डैमेज दिया वापस कवर में, इस तरह मैं इजीली इससे फाइट विन कर गया। दूसरी फाइट होती है इस तरह की, मतलब वो भी कवर में, आप भी कवर में, और आप होते हैं कि सीधा उसके सामने मुंह पे चले जाते हैं। ऐसे नहीं जाना, हमेशा डैमेज दिया कवर में आया, डैमेज दिया कवर में आया, इस तरह आप ज़्यादातर फाइट निकाल सकते हैं। ऐसे ओपन में जाओगे ना भाई, जितनी भी अच्छी एम है ना आपकी, अगला बंदा ज़्यादा चांस है कि वो ही आपको मार सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपने फॉलो करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़, प्री फायर, जितना हो सके ना जहाँ पे भी आपको लगता है कि बंदा निकलने वाला है, भाई एक ही बंदा होता है, इतनी सी एम होती हैं, प्री फायर में ज़्यादा चांस होते हैं कि आप उसे किल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं प्री फायर दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से तो उसने जैसे ही मुंह निकालना है इजीली जाएगा। लॉन्ग रेंज फाइट में हमेशा जब आपने एडीएस फाइट लेनी है ना, साथ में क्राउच ऐड करना है। अगर अच्छा प्लेयर है ना वो हमेशा हेड पे एम रखता है, इस तरह 1 HP तक बच सकते हैं। अगर अगला प्लेयर नॉर्मल है तो जैसे मर्जी खेलें, अगर आप विन कर सकते हैं। कोई चैलेंज लग गया है, अच्छी फाइट हो रही है, तो भाई इस तरह ही आपको खेलना पड़ेगा। जब भी आप अगले बंदे पर रश करना है ना, बस आप जैसे ही सामने जा रहे हैं फायर पे आपकी उंगली आ जानी चाहिए, बस फायर निकलने चाहिए, ज़्यादा चाहे आप विन कर सकते हैं। हमेशा फाइट जो है ना, दूसरी टिप ये याद रखना, हमेशा फाइट आपने राइट साइड से लेनी है। अब अगले बंदे का राइट है, चेक करें वो इजीली मुझे कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा है। अगर मैं राइट से फाइट लूँगा ना, भले जितने भी एंगल चेंज करने पड़े, अगर आप राइट से फाइट लेते हैं ज़्यादा चांस है आप फाइट विन करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एडवांस चेक करवाता हूँ, जब भी आप फाइट ले रहे हैं भले राइट है लेफ्ट है, डैमेज दें वापस कवर की तरफ मूव करें, ज़्यादा चांस होते हैं। अब राइट से फाइट लेने का एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, बहुत एडवांटेज है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे ना अब राइट के एडवांटेज चेक करें। इजी होता है, अगला बंदा पहले शो हो जाता है राइट में, गेम का जो बनी है ना वो भी कुछ इस तरह ही है, पीक भी राइट में एडवांटेज होता है और राइट साइड पे फाइट का भी एडवांटेज होता है बनस्पत अगले बंदे के। अब जब लेफ्ट पे आप फाइट ले रहे हैं, ये नहीं होता कि हर बार आप राइट पे ही लेंगे, लेफ्ट पे भी एंगल बन जाता है, तो जब भी आप रश कर रहे हैं ना लेफ्ट पे, अगला बंदा कम से कम ज़्यादा डैमेज होना। अब अक्सर जो होता है कि जब आपको अगला बंदा डैमेज दे देता है ना, तो फिर भी वहीं से ही वो निकलने की ट्राई करता है, ठीक है। जब उसने डैमेज दिया वो ओपन माइंड होकर रश करता है, तो यहाँ पर ना अक्सर बंदे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या तो आप एंगल चेंज कर लें, या फिर आपने प्रॉपर अगले बंदे को ना, इसको कहते हैं गेम सेंस, माइंड को समझ के खेलना है। जैसे वो प्री फायर दे के रुक रहा है ना, आपने वहाँ पर प्री फायर स्टार्ट करना है जहाँ से आपको लगता है कि निकल सकता है, भले ना निकले, अगर निकल आया तो ईजिली किल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें, तो यहाँ मैंने इसको डैमेज दिया, अब मुझे पता है ये इधर से पीक लेगा, पहले ही मैं एडवांस प्री फायर दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं गेम सेंस। थोड़ा सा ये चीज़ें इंप्रूव कर लें, अब ज़्यादा फायर निकाल सकते हैं। अब अक्सर बंदे क्या करेंगे, भाई डैमेज दिया सीधा ओपन में ही चला गया, ऐसा नहीं करना, डैमेज दिया वापस कवर की तरफ मूव करें। अगर वो फायर करता ही है तो इस तरह आप बच सकते हैं। जब 1 HP है तब जाके अगले बंदे के ऊपर रश करें, वो भी लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आप ज़्यादा चांस है, भले जितना भी अच्छा प्लेयर है, आप इजीली 1v1 निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कोई रूम नहीं बनाया हुआ, जैसे जनरल फाइट चल रहे होते हैं उसमें जो टिप्स फॉलो करनी चाहिए वो मैंने आपको बताई। अगर इन टिप्स को आप फॉलो करके खेलते हैं ना, किसी के साथ भी आप इजीली ज़्यादा चांस है 1v1 विन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में मेंशन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।